नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गुरुवार तक के लिए एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई की अदालत ने उन्हें हिरासत में भेजा है। सोमवार दोपहर को आर्यन खान को अदालत में पेश किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शनिवार को आर्यन और दूसरे 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान पर प्रतिबंधित नशीले पदार्थ खरीदने, रखने और उनका इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। हालांकि सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील ने कहा कि आर्यन के पास से कुछ भी नशीला पदार्थ बरामद नहीं किया गया था। एनसीबी ने भी नशीले पदार्थ जिनसे बरामद किए हैं उनके नाम बताए, जिसमें आर्यन खान का नाम नहीं था। हालांकि एनसीबी का कहना है कि उनको आर्यन के फोन में काफी अचंभित करने वाली सामग्री मिली है। लखीमपुर की घटना पर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। ममता ने कहा कि ये एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। भाजपा सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है, वे केवल निरंकुशता चाहते हैं। ममता ने कहा, क्या यही है रामराज्य? नहीं, ये राज्य की हत्या है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को सहारनपुर में यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो किसानों के पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी जा रहे थे। रंधावा पंजाब सरकार में गृह मंत्री भी हैं। हिसार से भाजपा विधायक कमल गुप्ता को किसानों ने बंधक बना लिया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार किसानों का कहना है कि वो तभी बीजेपी विधायक को आजाद करेंगे जब यूपी पुलिस किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को छोड़ेगी। बता दें, चढ़ूनी को कल रात लखीमपुर खीरी जाते वक्त मेरठ पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने हिरासत को लेकर कहा है, ये नहीं गिरफ्तारी है, ये तो जंग हमारी है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि आज अहंकारी बीजेपी का विकृत रूप व चेहरा जनता के सामने किसानों की हत्या के रूप में आया है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा के समर्थकों के सिर भी शर्म से झुक गए हैं। अन्नदाता के हथियारों का साथ देने का अपराध बोध उनके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरने दे रहा है। बता दें, आज अखिलेश यादव सुबह से लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उनके घर के बाहर ही घेराव कर दिया और जाने नहीं दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। बाद में उनको कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में ले लिया गया। आज समाजवादियों ने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं। लखीमपुर जाने के लिए धरने पर बैठे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार अंग्रेजों से भी अधिक किसानों पर अत्याचार कर रही है और ये हिटलर शाही की याद दिलाती है कि सीधे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। अखिलेश ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार मंत्री अजय कुमार मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जिम्मेदारी थी कि वो कानून व्यवस्था को ना बिगड़ने दें, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और इसके लिए उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों को 302 में जेल भेजा जाना चाहिए। अखिलेश बोले कि इस बीजेपी सरकार में अगर आप उनसे सहमत नहीं होंगे तो या तो गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या गोली मार दी जाएगी। अखिलेश बोले कि हम लखीमपुर जाना चाहते हैं, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है, आखिर सरकार क्या छुपाना चाहती है। लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद योगी सरकार घिर गई है, जिसके बाद योगी सरकार ने इस घटना में मारे गए किसानों को 45-45 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और घायलों को 10-10 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के सदस्यों की योग्यता के अनुसार उनको नौकरी भी दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने इस घटना में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए 50-50 लाख रुपए की मांग की थी। बता दें, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा पर ही किसानों को कुचलने का आरोप है। लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर भारी विरोध के बाद यूपी सरकार ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में कराने की बात कही। वहीं आईजी लखनऊ ने कहा कि किसान अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने को राजी हो गए हैं, जो कि डॉक्टरों के पैनल द्वारा किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने उनको एक निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने लखीमपुर घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार को जमकर रताड़ा और जनरल डायर की सरकार बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस प्रकार से लखीमपुर में किसानों के साथ बर्बरता की गई है, गोलियां चलाई गई हैं, गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं, उससे साफ दिखता है कि बीजेपी की सरकार अंग्रेजों की प्रेरणा लेकर ये राजनीति कर रही है। बघेल ने कहा कि हमारी मांग है कि सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनके साथ जो गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह घटना दिखाती है कि बीजेपी किसानों को दबाने के लिए किस हद तक जा सकती है। लखीमपुर घटना पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा कि यह कोई एकमात्र घटना नहीं है, आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए।
कुछ दिन पहले ही यूपी बीजेपी के हैंडल पर एक कार्टून में किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर लिखा गया था कि अगर यूपी आए तो बक्कल उधेड़ देंगे, और फिर सप्ताह भर पहले गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर कहते हैं कि आंदोलनकारी किसानों का सर फोड़ो, जेल जाओ और नेता बनो। क्या बीजेपी इस तरह से अपना नेता तैयार करती है? ये तो जनरल डायर की सरकार है, उसे जनता भगाकर मानेगी। लखीमपुर जा रही प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो तो हत्या के आरोपी मंत्री के बेटे को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है। सीतापुर में गेस्ट हाउस में हिरासत में रखी गई प्रियंका गांधी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, ये यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरी तरह से कानूनी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पतन है। प्रियंका गांधी ने कहा कि लखीमपुर में राजनीतिक तनाव के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनका बेटा जिम्मेदार है, भाजपा सरकार उन्हें बचा क्यों रही है? सरकार को हमें हिरासत में लेने की बजाय दोषी भाजपा नेताओं पर कार्रवाई करने में फुर्ती दिखानी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि अगर आप अखिलेश यादव जी, मुझे और चंद्रशेखर आजाद को रोक सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो, तो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के मारे जाने के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले, लेकिन उनको लखनऊ स्थित उनके आवास के बाहर ही पुलिस ने रोक लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए और विरोध करने लगे। वहीं अखिलेश ने कहा कि पुलिस इस दौरान खुद ही गाड़ी में आग लगा रही है और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बता दें, रविवार को लखीमपुर में हुई हिंसा में 8 लोग मारे गए थे, जिसमें से 4 किसान थे, और किसानों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे ने उन्हें कार से कुचला है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर सुप्रीम कोर्ट ने और सख्ती दिखाई है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को कहा कि जब मामला अदालत के सामने है तब आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। अदालत ने सवाल किया, जब कृषि कानूनों को अदालत में चुनौती दी गई है तो किसान आखिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अदालत ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि जब कृषि कानूनों को लेकर अदालत में फैसला लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है या नहीं। अदालत ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी और इसमें वह इस बात का फैसला लेगी कि प्रदर्शन का अधिकार पूर्ण अधिकार है या नहीं। अदालत ने यह टिप्पणी किसानों की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान लखीमपुर घटना का जिक्र आया। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। जिसके बाद जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। बेंच ने कहा कि संपत्ति और शारीरिक रूप से हानि और यहां तक मौत तक होती है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।